हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की पेरेंट डायरेक्टरी की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, और ये सभी हम लोग जो डायरेक्टरीज होती है ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे वीआर तक। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू करते हैं रूट पार्टीशन के अंदर जो एमएनटी नाम की डायरेक्टरी होती है। दोस्तों, जो एमएनटी नाम की डायरेक्टरी होती है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नॉन रिमूवेबल डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन सेव करके रखता है। इसके बाद आता है रूट पार्टीशन के अंदर जो मीडिया नाम की डायरेक्टरी होती है। दोस्तों, जिस तरह एमएनटी डायरेक्टरी जो है वो नॉन रिमूवेबल डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है, इसी तरह मीडिया नाम की जो डायरेक्टरी होती है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की रिमूवेबल डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन सेव करके रखता है। इसके बाद आता है लिब डायरेक्टरी। दोस्तों, रूट पार्टीशन के अंदर आपको दो टाइप की लिब डायरेक्टरी मिलेगी। एक आपको मिलेगी लिब और सेकंड मिलती है आपको लिब64। ठीक है, चाहे तो मैं आपको यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर जाकर यहाँ पर आपको शो भी करा सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिब दो टाइप की डायरेक्टरी मिलेगी, लिब एंड लिब64। ठीक है दोस्तों, अब इनका पर्पस क्या होता है, ये किस लिए यूज की जाती है। दोस्तों, लिब जो है वो 32-बिट आर्किटेक्चर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। ध्यान से सुनना, लिब जो डायरेक्टरी होती है वो 32-बिट आर्किटेक्चर के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन सेव करता है, और लिनक्स 32-बिट आर्किटेक्चर के अंदर जो भी हम लोग पैकेजेज इंस्टॉल करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे 32-बिट आर्किटेक्चर के ही, उनकी इंफॉर्मेशन भी लिब डायरेक्टरी के अंदर ही सेव होती है। इसके बाद आता है लिब64। दोस्तों, लिनक्स 64-बिट आर्किटेक्चर की इंफॉर्मेशन जो है वो लिब64 के अंदर होती है, और 64-बिट आर्किटेक्चर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी हम लोग 64-बिट आर्किटेक्चर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उनकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो लिब64 डायरेक्टरी के अंदर ही सेव होती है। वापस चलते हैं, तो इस पिक्चर के अंदर जो भी हम लोग डायरेक्टरी वगैरह यूज कर रहे हैं वो हम लोगों ने सक्सेसफुली डिस्कस की है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ अपने YouTube चैनल पर, आपके पास में वो ईमेल के थ्रू उसकी नोटिफिकेशन चली जाए और आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख सके। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब हमारे पास में केवल चार डायरेक्टरी बाकी है, टेम्प, यूएसआर, बूट एंड एसआरबी डायरेक्टरी। दोस्तों, जो रूट पार्टीशन के अंदर टेम्प नाम की डायरेक्टरी होती है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की टेम्परेरी फाइल्स को होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसके बाद आता है यूएसआर डायरेक्टरी। दोस्तों, रूट पार्टीशन के अंदर जो यूएसआर नाम की डायरेक्टरी होती है वो स्पेशली यूज की जाती है जब हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो रूट पार्टीशन के अंदर यूएसआर डायरेक्टरी के अंदर सेव होती है, फाइल्स
फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन। इसके बाद आता है रूट पार्टीशन के अंदर जो बूट नाम की डायरेक्टरी होती है। दोस्तों बूट नाम की जो डायरेक्टरी होती है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग फाइल्स को सेव करता है। और दोस्तों ये हम लोग पहले ही वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि RHEL 5, RHEL 6 और RHEL 7 की बूटिंग फाइल्स कौन कौन सी होती है। फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, जो RHEL 5 जो होता था उनकी बूटिंग फाइल होती थी लेलो एंड ग्रब। RHEL 6 की जो बूटिंग फाइल होती है वो होती है ग्रब। RHEL 7 की जो बूटिंग फाइल होती है वो होती है ग्रब 2। तो बूट डायरेक्टरी के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग फाइल्स अवेलेबल होती है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराती है। इसके बाद आता है रूट पार्टीशन के अंदर जो SRV नाम की डायरेक्टरी होती है। दोस्तों SRV नाम की जो डायरेक्टरी होती है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है। जिस तरह हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर services.msc यूज करते हैं और वहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव होती है हमारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की, इसी तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रूट पार्टीशन के अंदर एक SRV नाम की डायरेक्टरी होती है जो कि सर्विसेज से रिलेटेड डेटा होल्ड करके रखता है। तो दोस्तों ये थे हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी हम लोग डिफॉल्ट सिस्टम डायरेक्टरीज यूज करते हैं पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर।